अरे अल्टीमेटम हमको कौन देगा, अल्टीमेटम वाले हम लोग हैं, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। कहा जा रहा है कि पावर पॉलिटिक्स हो रहा है सर? नहीं 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 नहीं, तब मैंने धर्म कथा कह रहा है लोग और क्या है, मैंने हम नहीं जा रहे सर न्याय यात्रा में। नीतीश कुमार ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की व्यस्तता है, 30 जनवरी को पूरा देश किस बात के लिए जाना जाता है? बापू का नहीं नहीं नहीं, सब इस ढंग की बातें अभी कोई हमको औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक असमंजस की बात है मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है? अरे भाई अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई कल, कोई कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने भी नाराज किया। और मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज। देखिए बिहार में 22 तारीख से जो सियासी भूचाल मचा हुआ है कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनेगी, बिहार में क्या होगा, तो देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो सीएम आवास है, नीतीश कुमार सीएम आवास में कल इमरजेंसी मीटिंग किए थे और आज सीएम आवास के बाद मीटिंग के बाद नीतीश कुमार सीधा राजभवन चले गए और वहां से आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत ना करके उनकी काफिला जो यहां से निकल गए। अब आपको हम बता दें कि जेडीयू के नेता कहे जाने वाले नीरज कुमार बयान दिए हैं मीडिया पत्रकारों को, कहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर थे हैं और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन अब बात ये है कि आखिर कब तक बिहार में इस तरह की बातें होती रहेगी और नीतीश कुमार कब फैसला लेंगे, कब क्या हो जाएगा बिहार में, कोई कहने वाली बात नहीं है। आप देखिए इस रिपोर्ट में कि नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। अपने दल के कार्यकर्ताओं को रखते हैं न किसी को रखते हैं, अब जिनके मन में असमंजस है वो जाने। अरे अल्टीमेटम हमको कौन देगा, अल्टीमेटम वाले हम लोग हैं, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। कहा जा रहा है कि पावर पॉलिटिक्स हो रहा है सर? नहीं 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 नहीं, तब मैंने धर्म कथा कह रहा है लोग और क्या है, मैंने हम न्याय यात्रा में जा रहे सर, न्याय यात्रा में नीतीश कुमार। अभी ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की व्यस्तता है, 30 जनवरी को पूरा देश किस बात के लिए जाना जाता है? बापू का नहीं नहीं नहीं, सब इस ढंग की बातें अभी कोई हमको औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक असमंजस की बात है मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है? अरे भाई अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने भी नाराज किया। आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं? कल बीजेपी की बैठक हुई है।